आ सकती, क्या कारण है, क्यों नहीं आ सकती लाइव? भाई मेरे पेज पे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, मेरे को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो क्या मेरे साथ समस्या होगी? मैं बताऊं नहीं, अब मेरा परिवार है वो। आपको ऐसा नहीं लगता हम दोनों इस वजह से बदनाम होते हैं? क्यों हो जाएगा बदनाम? ये परिवार का मैटर है, सुलझावेंगे ना सुलझाएगा तस बतावेंगे बिल्कुल। क्यों आ गए तू? अगर लाली बढ़ने लगी कहीं तुझे रोकेंगे क्या? तू नहीं बतावेगी क्या? तेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा क्या? तू नहीं बताएगी तो बतावेंगे? आज तो मुझे अकेले की ऐसी बात कर रहे हैं, क्या पता और चार लड़कियों की गिनती हो जा। तो मैं नहीं चाहती किसी लड़की की आवाज़ को दबा। मैं भाई ने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, क्यों ना बोली? मैंने थोड़ी गई तुम यूँ सवाल मेरे से करी हो, सच बोल दिया, बीमारी मेरा यूँ है, बोल दिया सच और बता दी कि यूँ बात कही मेरे से। तो वो तो लड़की मुझे जानती भी नहीं, मैं तो बेचारी पहली बार मिली हूँ जो संचालन कर रही है। कोई बात नहीं, हम कमेटी से बात करेंगे और कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हम 3 महीने से यहाँ हैं और आंदोलन को सहयोग सड़क पर भी कर सकते हैं। आंदोलन को सहयोग हम सड़क पर खड़े होकर कर रहे हैं, और जिस दिन से पहली बार आवाज़ लगी थी उस दिन से मैं मंच पर नहीं गई हूँ, ठीक। और मंच की लड़ाई नहीं है मेरी तरफ से, मंच की लड़ाई नहीं। अगर मेरी तरफ से मंच की लड़ाई होती तो मैं बिल्कुल जाती, जबरदस्ती करती, ये करती, वो करती, लेकिन मैं बॉर्डर पे आ रही हूँ, सड़क पे रह के बहुत खुश हूँ। आपकी बातों से लग रहा है कि आप सिर्फ नहीं, नहीं। के लिए लड़ रहे हैं। आप लड़ रहे होंगे, पत्रकार महोदय, इन्होंने सवाल करा, मैंने जवाब दिया, आप लड़ रहे होंगे। और सुनिए, मैं जिस दिन तक आंदोलन में हूँ मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे वहाँ देखा जब मेरे से सवाल करना, और क्या बताऊँ नहीं सच बात? फिर कैसे कह रहे हो आपकी तरफ से लड़ाई ऐसी मंच की, उनकी तरफ से अभी तक वो कह रहे हैं इस बात को, अपनी बात रख रहे हैं। भाई ने सवाल करा, जवाब दे दिया, क्या आप मैडम क्यों नहीं बोली? भाई इसलिए नहीं बोला, हो सके इनका कुछ प्रोटोकॉल हो। ये तो आपके प्रति है प्रोटोकॉल। तो ये बात पूछेंगे ना हम कमेटी से, जवाब भी ना दूं। एक तरफ आप कहते हो कि अपनी परेशानी बतानी चाहिए, एक तरफ आप कहते हो कि आपकी तरफ से लड़ाई मेरी तरफ से क्यों होती, मेरी तरफ से क्यों होती लड़ाई? अगर मेरी तरफ से लड़ाई होती तो मैं यहाँ पे इतने दिन तक बिना मंच के घूमती हूँ। मुझे मंच की जरूरत नहीं है, मुझे इनके आशीर्वाद की, इनके प्यार की जरूरत है। 20 मंच का मतलब क्या है? 20 मंच जब क्यों बना ले मैं भाई? यू देश के किसानन का मंच है, किसी का अपना मंच नहीं है। यू मंच है रोटी, ये रोटी का मंच है, समझा? किसी का अपना मंच है, यू कौन है मंच वाले? एक मिनट सुनो भैया, क्यों हो रहा मंच पे जब सबका मंच है तो आपकी तो हिस्सेदारी? तो भाई इसीलिए तो इनने पूछा सवाल, मैंने जवाब दे दिया है भाई। ये किसानों की लड़ाई है, यहाँ पे सबकी हिस्सेदारी है, मजदूरों की भी, किसानों की भी। ऐसे समय परिवर्तन हो रहा, पढ़ाई लिखाई है, एक मंच आप अपना बना लीजिए। क्यों बना लूं मैं मंच? क्यों बना लूं भाई? अरे आप भड़काते क्यों हैं? पूनम पंडित जी यहां पे वाइट लेने आए हो, आप इनको टारगेट कर रहे हो ना? इस तरीके का सवाल होना चाहिए ना फिर भाई। मुझे मंच की जरूरत नहीं, मैं अपना मंच क्यों बना लूं? यू किसानन का मंच है, यू रोटी का मंच चल रहा, यू देश का मंच है, क्यों बना लूं मैं अपना? मैं मंच बनाने आ रही हूं, या मंच छीन ना रही हूँ मैं किसी के? लोग आपको टारगेट करते हैं, आपका विरोध करते हैं, आपको मंच पे नहीं जाने देते। पूछेंगे कमेटी में पूछेंगे भाई, उन्हें नहीं पता ये सबका मंच है, रोटी का मंच हो सकता है? चंद लोगों को ना पता हो, सभी को थोड़ी बात है यो, क्या पता चंद लोगों ने कहीं कलवाई हो उस लड़की से? ये बात मैं कमेटी में रखूंगी जाके, पूरी किसान मोर्चा मंच की कमेटी में रखूंगी जाके ये बात। अगर ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ युवा नहीं जुड़ा हुआ, मेरे साथ महिला नहीं जुड़ी हुई, मेरे साथ ये बुजुर्ग नहीं जुड़े हुए, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ये दर्द आपने एक बार और झलकाया था पहले भी? पहले मेरे से एक भूल हो गई कि मैंने रोक के झलकाया। देखिए दुख तो सभी होता है, लेकिन आज दुख नहीं है बिल्कुल भी। आज इस बात का कि मंच के एक बात तो देखिए घबराहट हो रही है कुछ लोगों को, हो रही है ना, ये बात भी तो आप देखिए ना। लेकिन मैं तो यहाँ रोड पे खड़ी हूँ, ये मंच बन गया, आप घुमा के दिखाइए कैमरा। मंच जो है बड़े बड़े जो मंच होते हैं, बहुत बड़े बड़े पार्टी के मंच हमने देखे, नेताओं के मंच देखे, गिरते हुए भी देखे, संभलते हुए भी देखे। सड़क रोड एक ऐसी चीज़ है कि ये स्थिर है, यहाँ रोड धरती जहाँ से हम निकले वहाँ मंच हो रहा, इससे बढ़िया बात क्या है? जो बात होगी उसे कमेटी के सामने रखेंगे। लेकिन आज तो पूरी दुनिया महिलाओं के अधिकार की बात कर रही है। हाँ, ये महिलाओं का सम्मान कर रहे, चंद लोग पूरी पूरे पूरे मंच को बदनाम करना चाह रहे हैं। ये पता नहीं कौन लोग हैं, बात पता नहीं समझ में नहीं आ रही। चंद लोग ही तो होंगे, चंद लोग ही तो हैं, ये सारे तो कमेटी वाले ऐसे नहीं कर सकते, सारे नहीं कर सकते इस तरीके की हरकतें ये, ठीक। तो ये बदनाम करना चाह रहे हैं आंदोलन को, ये बदनाम करना चाह रहे हैं महिलाओं को, उत्पीड़न करके कहाँ दिखाना चाह रहे हैं, कहाँ जताना चाह रहे हैं, कहाँ जो घुस के बैठा लिए ना ऐसे ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन जो महिलाएं जो संचालन कर रही हैं वो भी तो महिलाएं हैं, आप भी महिला, तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया? देखो वहाँ पे देखिए, उन्होंने बोला भी था कि मैं भी बुलवाऊंगी पूनम पंडित को, उन्होंने बोला। और जो बाकी महिला बैठी हुई थी ना नीचे, वो वहाँ पे जाके कह रही पूनम पंडित को बुलवाओ, तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा कि वो बार बार कह रही है मंच की मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने कहा क्लियर बता, बोलूँ मैं यहाँ या ना? उन्होंने कहा माफ़ करना बहन, मैं ये नहीं वो कर सकती। तो फिर मैं तो साइड में आ गई, और क्या मैं वहाँ पे डिस्टर्ब करती रहूँ? मैं वहाँ बैठी हूँ, सारी महिलाएं कह रही पूनम पंडित को बुलाओ, पूनम पंडित को बुलवाओ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं साइड में आ गई, ठीक है।